नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थ प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। सांसद किरण खेर ने मंगलवार को संसद सत्र में शहर से जुड़े दो मुख्य प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की मांग रखी है। किरण खेर ने संसद में चंडीगढ़ के लोगों की काफी लंबे से ट्रिब्यून चौक पर बनने वाले फ्लाईओवर और ट्राई सिटी को जोड़ने वाले रिंग रोड प्रोजेक्ट को गति देने की मांग की है। खेर ने कहा कि रिंग रोड बनने से पंजाब और हरियाणा को जाने वाले ट्रैफिक को चंडीगढ़ से नहीं गुजरना पड़ेगा। हर रोज बाहरी वाहनों की आवाजाही से चंडीगढ़ में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा रिंग रोड को मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी तक यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। जीरकपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चलती स्कॉर्पियो में चाचा से मारपीट के बाद उसके ही सामने भतीजी के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद आरोपित पीड़िता व उसके घायल चाचा को बल्टाना लाइटों के पास फेंक कर चले गए और जाते समय धमकी देकर गए कि अगर उन्होंने किसी से इसका जिक्र किया तो उन्हें जान से मार देंगे। वारदात के बाद पीड़ित युवती व उसका चाचा अस्पताल में भर्ती है। वहीं पुलिस ने पीड़िता के बयानों पर तीन युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 341, 342, 356 और 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था। पुलिस ने यह मंगलवार शाम छापा मार पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया। छह युवतियों के साथ आठ युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें स्पा सेंटर संचालक, गोकलगढ़ निवासी ठाकुर दास और एक महिला भी शामिल है। सभी को मॉडल टाउन थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। खट्टर सरकार लगातार विधानसभा चुनाव से पहले विकास को और रफ्तार देगी। प्रदेश का पहला और देश का तीसरा खेल विश्वविद्यालय राई में बनाया जाएगा। रेल मंत्रालय के साथ मिलकर हरियाणा सरकार रेल मार्ग का निर्माण करेगी। 5,566 करोड़ रुपए की लागत से पलवल से सोनीपत तक रेल कॉरिडोर बनेगा। इसमें 14 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे। पूरे मार्ग पर कुल 17 स्टेशन बनाए जाएंगे। सरकार ने नगर निगम के मेयर की तर्ज पर नगर पालिका और नगर परिषदों के चेयरमैन का भी सीधा चुनाव कराने पर भी मोहर लगा दी है। पंजाब के पटियाला, मुक्तसर, बठिंडा और फिरोजपुर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी, हजारों लोग हुए बेघर। बठिंडा में लगातार 6 घंटे 161 mm हुई बारिश ने 14 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालत यह है कि शहर पूरी तरह से डूब गया है। डिप्टी कमिश्नर बी श्रीनिवासन की आवास में पानी घुसने से सारा सामान भीग गया। उनका सामान आनन फानन में उठाकर सर्किट हाउस पहुंचाया गया। कहते हैं इंसान से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। डेराबसी में एक ऐसा ही मिसाल देने वाला मामला सामने आया है, जहां की एसबीपी हाउसिंग प्रोजेक्ट के एक पालतू डॉग ने अपनी जान देकर मालिक जसप्रीत बेदी की जान बचा ली। जसप्रीत बिजली के नंगी तार की चपेट में आ गए थे। इसी बीच कुत्ते ने उनके हाथ पर काट कर उन्हें पीछे धकेल दिया, पर खुद करंट की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल में अब कंपनियां सीधे उपभोक्ताओं को सामान नहीं बेच सकेंगी। कंपनी को सामान बेचने से पहले राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सामान की सही कीमत दिखाना और गुणवत्ता की गारंटी देना अनिवार्य होगा। उपभोक्ताओं को घटिया सामान ना मिले और फर्जी कंपनियां लोगों को ना ठग सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्टेट डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2019 को मंजूरी दे दी है। यह फैसला हिमाचल मंत्रिमंडल ने किया है। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही नई स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम हिम कौशल उत्सव के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी क्षेत्र में उतनी नौकरी नहीं है जितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर युवा के पास योग्यता है तो वह सरकारी क्षेत्र से बेहतर रोजगार को पा सकता है। इसलिए सरकार का प्रयास है कि युवाओं को रोजगार के लिए उनके कौशल
कौशल को बढ़ाया जाए और इसके लिए सरकार प्रदेश में शीघ्र का कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। दिल्ली के नेता और अधिकारी सड़क पर उतरकर मच्छरों से निपटेंगे। इसके लिए पहली बार 3 दिन का महाअभियान शुरू होगा। स्थानीय नेताओं से लेकर अफसरों तक 19 जुलाई तक चलने वाले इस महाअभियान में शामिल होने के निर्देश दिए जा चुके हैं। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लार्वा की तलाश की जाएगी, जिसमें कि 286 टीमें दिल्ली के कोने कोने में तलाशी अभियान चलाएंगी। ये टीमें स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी इमारतों, पार्क आदि जगह जाकर ना सिर्फ एड्स मच्छर के लार्वा की तलाश करेगी बल्कि लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया जाएगा। कोचिंग सेंटर जाने की बात कहकर घर से निकली छात्रा ने जब लड़के के अंदाज में घर फोन किया तो परिजनों के होश उड़ गए। छात्रा ने कहा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। बाद में छात्रा के अपनी सहेली के साथ समलैंगिक रिश्ते सामने आने पर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिहानी गेट थाने में पहुंच परिजनों ने पुलिस से उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे 5 राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।